अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसी है मेरी YouTube फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी, और जो लोग ठीक नहीं है अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से ठीक कर दे, शिफा दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो है वो बेसाख्ता स्ट्रे को देखकर दिल से निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जजाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, और साथ में ही शुक्रिया अल्फाज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे जो है वो अब बहुत ही अच्छे से नेबर्स हैं जो न्यूली शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने जो है ये ट्रे मेरे घर पे भेजी है। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी जो है वो डाउन थी, और मैं अभी सोच रही थी लंच बनाने का, मैं हिम्मत करके उठी थी और मैंने ये 3 अदद टींडे निकाले थे कि मैं जो है वो सब्ज़ी बनाऊँ आज। तो ये टींडों को अब मैं थोड़ा साइड पे कर देती हूँ, आपको डियर टींडास फिर बनाते हैं थोड़ी देर को। अभी हम लोग एंजॉय करेंगे डिलीशियस लंच। थैंक यू सो मच डियर रबिया, आपने इतना इतने प्यार से इतना ज़बरदस्त जो है वो लंच भेजा हम लोगों के लिए। और ये है माशाल्लाह से मज़ेदार कड़ी पकौड़ा, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से कि मुझसे जो है ना वो मेरा दिल चाह रहा है बस जल्दी जल्दी से जो है वो मैं फूट पड़ूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है जो है वो बॉयल राइस है, कढ़ी के साथ राइस का बहुत ही अच्छा तालमेल है और बहुत जो है ना वो डिलीशियस लगते हैं चावल और कढ़ी। तो अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में जो है वो बहुत ही जो है वो बरकत डाले, आपके घर में जो है वो बरकत डाले, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल करता है इस तरह से। उन्हें पता था कि मेरी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, तो स्पेशली मेरे लिए वो गर्मा गर्म जो है वो लंच लेकर आई, तो दिल से दुआएं निकली और बहुत ही जो है वो अच्छा लगा मुझे उनका इस तरह से आना। तो अगेन जो है वो थैंक्स। बाकी आप लोग सुनाएं कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस कड़ी को देखा होगा उनके मुंह में पानी आ रहा होगा यकीनन, और वो लोग भी अब कोशिश करेंगे कि जल्दी से जो है वो कड़ी पकौड़ा बनाएं। एक दफ़ा फिर आपको दिखाती हूँ मज़ेदार सी कड़ी। चलें जनाब, अब मैं हम लोग जल्दी से जो है वो लंच करने लगे हैं, आपसे फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और गुड इवनिंग कहेंगे, और नाउ इट्स पार्क टाइम। अभी हम लोग जो है वो पार्क जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। चलो चले, गो 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 गो। बहुत ही लश पश सा जो है वो वेदर है। बेटा बेटा डोंट डू दिस, व्हाट हैपनिंग। बहुत ज़बरदस्त वेदर हो रहा है, बादल जो है वो छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है इससे बारिश आने वाली है और ठंडी हवा चल रही है। चलें देखते हैं, जाके एंजॉय करते हैं। उस साइड पे होके आते हैं, उस साइड पे पहले, उस साइड पे होके आते हैं, आराम से आराम से। इस साइड पे, साइड साइड पे चले, सेंटर में नहीं चलना। कहाँ है बादल? अच्छी हवा चल रही है कि चला तक नहीं जा रहा। ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, सारे वहां आ जाए। चले जी जनाब, तो गर्मियां जो है वो अरूज पे हैं, और बादशाह सलामत जो है वो भी आ गए हैं, मार्केट में तशरीफ ले आए हैं, लेकिन प्रॉपर आबोताब से अभी नहीं आए। अभी जो है वो थोड़े से इमेच्योर हैं, आम मेच्योर नहीं हुए। अभी जो है वो 10 डेज बाकी हैं इनको मेच्योर होने में। कल हम लोगों ने अनवर डेटॉल ट्राई किया था इम्तियाज से, बट मज़ा नहीं आया, उसमें खटास थी
और वो अभी प्रॉपर राइप नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने कलमी आम लिया मिल्क शेक बनाने के लिए, क्योंकि मिल्क शेक जो है ये हमारे घर में बहुत ही जो है वो फेवरेट है, बहुत शौक़ से हम लोग पीते हैं। और प्लस ये ताकत का जो है वो ख़जाना है, मतलब आम प्लस दूध। दूध तो वैसे ही जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और आम जो है ये भी जो है वो फरहत बख्शता है, आपको एनर्जी देता है, आपका ब्लड लेवल बूस्ट अप करता है। यानी कि जिनमें खून की डेफिशिएंसी हो वो इस सीज़न में आम जो है वो दबा के खाएं, खूब खाएं, सारी डेफिशिएंसियां दूर हो जाएंगी और चेहरा जो है वो खिलखिला उठेगा और रंग जो है वो गुलाबी हो जाएगा। तो ये आम जो है ये बेशबहा जो है वो अपने अंदर ताकत के ख़जाने लिए बैठा है, तभी तो इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। तो अगर हम आम की जो है वो शान में कसीदे पढ़ना शुरू करें तो मेरा शेक जो है वो गर्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इतना आम को जो है वो नवाजा है कुदरती ख़जानों पे। किस दिन बात करेंगे फ्रूट्स की अफादियत पे भी, मैं बचपन से बहुत शौक से, मेरे पास बुक थी फल दवा भी और ग़िज़ा भी, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट की थी ये बुक जब मैं 6th क्लास में थी, और वो किसी एग्जीबिशन में गए थे लाहौर, वहाँ से वो मेरे लिए लाए थे, और वो बुक मैंने संभाल संभाल के रखी है। लेकिन अब शादी के बाद वो मेरे पास बुक नहीं है, वो अम्मी के पास ही है, वहीं घर पे ही है, पता नहीं खो गई है या है भी या नहीं। लेकिन मैं इस बार जाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वो बुक लेके आऊँ, फिर आप लोगों के साथ उसका जो उसमें जो नॉलेज है, जो उसमें इल्म है फलों के बारे में और उनकी अफादियत के बारे में, फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि मैं वो बहुत शौक से मैं उसका मुताला करती थी, रीडिंग करती थी, जो फ्रूट खाना फिर उसको बकायदा पूरा पढ़ना, उसके क्या फ़ायदे हैं। नुकसान तो नहीं होते किसी भी फ्रूट के, लेकिन जब आप ओवर ईट किसी भी चीज़ को करते हो तो वो रिवर्स चली जाती है, उसका आपको नुकसान होता है। जैसे कि आप बहुत सारा तरबूज खा के ऊपर से पानी पी लें और फिर आप कहें कि तरबूज खा के मुझे हैज़ा हो गया, तो इस तरह से फिर जाहिर सी बात है नुकसान होगा। तो चलें जनाब इंजॉय करते हैं मज़ेदार सा मिल्क शेक। वैसे शीशे के गिलास में इसको इंजॉय करना चाहिए, बहुत मज़े का जो उसका शेप और वो जो कलर आता है येलो येलो सा। बट हम लोग मग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, मैं और मेरे मियाँ, तो देखें बच्चे पीते हैं या नहीं, ट्राई करते हैं। डैट जनाब आज संडे है, तो आज क्या हर दूसरे दिन ही मैं क्लिनिंग करती हूँ, तो आज जो है वो प्रॉपर जो है वो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। अभी जो है वो झाड़ू मैं रूम से निकाल के ले आई हूँ, और झाड़ू के बाद फिर लगाऊंगी पोछा। बैठ के पोछा मुझसे नहीं लगता, हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं डंडे वाला पोछा ही जो वो लगाती हूँ। असल में मौसम जो है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि आंधियाँ जो है वो बहुत चल रही हैं, बहुत डस्ट आ रहा है। हालाँकि परसों जो है वो मैंने प्रॉपर क्लिनिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें डस्ट, देखें किस कदर मट्टी जो है वो आई हुई है। तो मैंने सोचा अभी नाश्ता वाश्ता करके तो क्यों ना पहले क्लीनिंग कर ली जाए फिर कुकिंग की जाए। हाय, हेलो, परेशान हो रही है वो देख के, कह रही मैं जंप मार दूंगी, सिंपल मारना दे। हेलो, आ रही है क्या?